कि उतनी ही उम्र वाली आपकी गर्लफ्रेंड है और उतनी ही उम्र वाली आपकी बहन है, लेकिन बहन के प्रति मन में कभी भी कोई दोष नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यही आपके खून के संस्कार हैं, यही सनातन धर्म की महिमा है। आपके खून के संस्कार हैं कि आप एकांत में भी उसके पास बैठे हो, उसके हाथों में आपका हाथ हो, लेकिन कहीं पर कोई दोष पैदा नहीं होता, किसी विचार में नहीं, दृष्टि में नहीं, भाव में नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इससे मेरा कैसा संबंध है, ये मेरा कौन है, ये मेरी कौन है। और संबंध की मर्यादा उम्र की मर्यादा से भी ज्यादा बड़ी है, तथापि उम्र की मर्यादा भी मनुष्य के शरीर में पशुओं के भांति विकार पैदा नहीं होता। पशु के शरीर में एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मनुष्य के शरीर में एक अलग प्रक्रिया है। मनुष्य के शरीर में विकार पैदा होने की एक उम्र है। आप छोटे बच्चे को गुस्सा करते हुए देख सकते हैं, पर छोटे बच्चे को आप कामुक नहीं देख सकते। घोर कलयुग होगा जब 6 बरस की उम्र में काम वासना का विचार पैदा होगा। अगर 6 वर्ष की उम्र में काम वासना का विचार पैदा होता है, तो उसे कलयुग की घोर स्थिति जानना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर कहूं, आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप अपनी मैली मानसिकता उनके ऊपर मत थोपिए। कई बार नहने नहने बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी कितना है, मुश्किल से 4 बरस का, 5 बरस का, और उससे आप कह रहे हैं ये तेरी गर्लफ्रेंड है, छोटी सी लड़की है, वो किसी दोस्त के साथ खेल रही, सब बच्चे खेल रहे हैं, ये तेरा बॉयफ्रेंड है। और बचपन से आप उसके दिमाग में गंदगी घुसा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल के कुछ होता है, कुछ होता है, ये बात बचपन से आपने उसके दिमाग में बिठा दी, रही गुजरी कसर मोबाइल ने पूरी कर दी, और परिणाम शादी होने से पहले कितनी बार ब्रेकअप हो जाते हैं, कितनी बार ब्रेक इन हो जाते हैं, परिणाम संसार मैला हुआ जा रहा है। इस मैली होती हुई दुनिया को अगर आपको बचाना है, तो संध्या ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। कामदेव की बहन संध्या भगवान नारायण से कहती है कि संबंध की और उम्र की मर्यादा मनुष्य के संस्कारों में बहे, उसके खून में बहे, तो मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है। ऐसा कहकर संध्या ने मृत्यु को स्वीकार किया। वही संध्या अगले जन्म में अरुंधति के रूप में जन्मी, जो कर्दम ऋषि की बेटी थी और वशिष्ठ मुनि की वामांगी थी। आज भी आपको 7 तारे आकाश में दिखाई देते हैं, उन 7 तारों में एक छोटा सा 8वां तारा संघ दिखाई देता है, वो माँ अरुंधति का ही माना जाता है। वो माँ अरुंधति हैं जिन्हें सप्त ऋषियों में बैठने का अधिकार प्राप्त है। ध्रुव तारा, त्रिशंकु के 3 तारे और सप्त ऋषियों के 7 तारों में 8वां अरुंधति का तारा, कहते हैं आकाश में समय समय पर ढूंढते रहना चाहिए। अगर आप इन 3 तारों को समय समय पर ढूंढते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिंदा हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अभी तक आपने इन 3ों को नहीं ढूंढा है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। ढूंढना